कैसे हैं आप सभी। YouTube स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ऐसे महीने हैं जहां पर ढेर सारे एग्ज़ाम्स आपको देने हैं, चाहे वो SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे और किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स हो, जैसे कि अभी DRDO का आने वाला है, फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी एग्ज़ाम्स आने वाला है। सो फ्रेंड्स, ऐसे एग्ज़ाम्स में जब हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक टॉपिक, एक जो है कि सब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चंस इसके आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो आप SSC की बात कर लो, चाहे रेलवे की बात कर लो। SSC में अगर हम बात कर लें तो SSC CGL है, या फिर जो है कि अभी CHSL बाकी है, आपका MTS है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि आपको तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चंस जो है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड के देखने को मिलते हैं। और मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट वांटेड एग्ज़ाम जो इस समय चल रहा है दैट इज़ कॉल्ड NTPC। NTPC में आपको 20 से 25 क्वेश्चंस क्वांटिटी एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद ग्रुप डी भी है आपके सामने। सो फ्रेंड्स, मैं मनमोहन वर्मा, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ टॉपर्स एकेडमी पे एक ऐसा वीडियो जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ SSC एंड रेलवे। उसके साथ साथ हम कंपैरेटिव स्ट्रेटजी जो है कि भी ये देख लेंगे कि SSC में कितने क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे में कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस का हम कंपैरेटिव स्टडी इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा जो है कि ध्यान दे करके पढ़ने हैं, और किन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा ध्यान कम देकर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो आपको सारे टॉपिक्स है, लेकिन कुछ पर आप जो कम ध्यान देंगे, कुछ पर आप अधिक ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात जो एक ये है, वेटेज, कि किस टॉपिक का कितना जो है कि वेटेज है, ये आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। सो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैथ्स की जान कहलाता है, इसको बेसिक बोलते हैं। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप नंबर सिस्टम को ले लो, चाहे LCM SCF को ले लो, चाहे सिंप्लीफिकेशन को ले लो, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको मैथ्स आना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर के लिए, तो ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों टॉपिक्स, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं सब इसी पे बेस्ड होते हैं। अगर ये आपका तीन मजबूत है तो बाकी के को आप अपने आप मजबूत हो जाएगा। SSC की बात करें तो अब इसको देखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स में अगर हम बात करें CHSL, जो कि 10+2 के लेवल पे होता है, तो वहाँ पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बस 1 या 2 क्वेश्चन अधिक से अधिक इसके मिलेंगे। वहीं LCM SCF में भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता, ज़्यादा नहीं मिलता। और सिंप्लीफिकेशन के तकरीबन कभी कभी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कभी कभी आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। अप्रोप्रिएट 1 से 2 चलता है। रेलवे की बात करें तो रेलवे आपके कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है कि आपका कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू कितना अच्छा है और आप कितने जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन, अधिक से अधिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कम से कम 2 क्वेश्चन। उसके बाद LCM SCF में भी आपको 1 क्वेश्चन मिल जाता है, सिंप्लीफिकेशन में भी आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी हुआ अभी तक जो है कि नंबर सिस्टम का, LCM SCF का और सिंप्लीफिकेशन का। SSC में अगर बात करें तो तीनों 1-1-1 आते हैं, इसमें 2-1-2 चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो है कि पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, उसके बाद एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स की अगर बात करें तो SSC में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मैं आपको क्यूब रूट स्क्वायर आपको याद होगा, और उसके बाद जो पावर के क्वेश्चन जैसे a^m (a^n) इज इक्वल टू क्या होता है, तो a^m + n, a^m/a^n, तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो मिसलेनियस भी होते हैं, कभी कभी बहुत ही जो क्रिटिकल क्वेश्चंस भी दे देते हैं, कभी कभी आपको डेसिमल्स में भी क्वेश्चन दे देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें पावर इंडिसेस से, तो 2 क्वेश्चन आपका सेम जो है कि रेलवे की तरह, यहाँ भी 2 क्वेश्चन और यहाँ भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
एवरेज की बात करें तो एवरेज एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा जो है कि वेटेज भी रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। इसीलिए ये जो है कि तीन जो कि क्वेश्चंस आते हैं, इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है कि तीन आते हैं। कितने नंबर के आते हैं मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो एवरेज की बात आप करेंगे तो कम से कम तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये कि इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। वही रेलवे में भी इसके तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज़ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विद द रिस्पेक्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मैक्सिमम और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें एसएससी में, तो तीन जो कि क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। वही जो है कि रेलवे की बात करें तो यहाँ पे भी आपको तीन क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि टॉपर्स एकेडमी पे आपको ये सारे लेसन्स, चाहे आपके लिए वो वेटेज अधिक रखते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए या कम वेटेज रखते हैं, सभी टॉपिक्स के वीडियोज़ आपको मिलेंगे विथ जो है कि न्यू टाइप टिप्स एंड ट्रिक्स। मतलब जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो तैयारी होती है, जो आप जो कि कोचिंग्स में बैठ कर करते हो, बड़े बड़े कोचिंग्स में, वो आप अपने घर पर बैठ के आराम से कर सकते हो टॉपर्स एकेडमी के साथ। सो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम जो है कि आपकी ये तैयारी अच्छे ढंग से करवा सकें। सो अब हम बात करते हैं, ये टोटल अभी तक हम लोगों ने बात की है 6 लेसन का, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला बात किया नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंपलीफिकेशन, पावर एनालिसिस, फिर एवरेज और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड द नेक्स्ट जो टॉपिक 7 है, इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर जो टीचर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सबसे पहले जो पढ़ने की सलाह दी जाती है तो वही पढ़ने का सलाह दिया जाता है कि आप परसेंटेज पढ़िए। सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना चाहिए, तो परसेंटेज से पहले आप नंबर सिस्टम पढ़ो। इसलिए अगर आप अगर इजी लेवल के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपको जो है नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो है कि आपको परसेंटेज पे आना चाहिए। जब आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आने लगेगा तब आप जो है कि इन टॉपिक्स को ले सकते हैं। तो नंबर वेटेज की बात करें तो एसएससी में जो है कि टोटल तीन जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेलवे में दो पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एसएससी में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, रेलवे में एक क्वेश्चन मिलेगा। डिस्काउंट की अगर बात करें, डिस्काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको क्या किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के तुरंत बाद पढ़ा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ये एक सीरीज़ बना हुआ है कि सबसे पहले आपको परसेंटेज का अध्ययन करना है सबसे पहले, उसके बाद जो है कि दूसरे पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो अब यहाँ पे बात ये उठती है कि अगर आप जो है कि सबसे पहले परसेंटेज पढ़ते हैं तो इसका वेटेज कितना है। एसएससी में हो गया कि भैया 3 वेटेज है, रेलवे में हो गया 2, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका एसएससी में 2, रेलवे में 1, डिस्काउंट में हो गया आपका दोनों में 2-2। जैसे प्रॉफिट लॉस खत्म होता है आपको एक नया चैप्टर पढ़ना पड़ता है, दैट इज़ पॉइंट टॉपिक 9, डिस्काउंट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब आप डिस्काउंट की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये तीनों टॉपिक सेम है। सो इसके क्वेश्चंस भी लगभग लगभग जो है कि इक्वल नंबर में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डिस्काउंट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 3 है। तो इस तरह के जो है कि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीन और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आपके टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न एंड टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क का कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में तकरीबन 4-4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल में आपको जो है कि तकरीबन 4-4 क्वेश्चंस भी देखने को इसके मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसके ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कि बन जाता है टॉपिक जब हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न भी जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो है कि, तो कभी कभी जो है कि 1 से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1 ही मिलता है।
उसके बाद रेलवे में जो है कि आपको तकरीबन 3 क्वेश्चन तक मिल सकता है टाइम एंड डिस्टेंस की अगर बात करें तो। यहाँ पे आपको जो है कि एसएससी में 2 क्वेश्चंस और रेलवे में 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आफ्टर इट बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी जो है कि इन सब टॉपिक्स के बाद अपनी भूमिका काफ़ी अच्छा निभाता है। एसएससी में भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नाव की धारा के विपरीत दिशा में नाव की धारा की दिशा में, इस तरह क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। सो रेलवे में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिक्वेंस सीरीज में से, एक एक क्वेश्चन। अलजब्रा की अगर बात करें तो आप इसे क्लासिक से ही पढ़ते हुए आते हैं। एसएससी इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है, इसमें तकरीबन 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वहाँ पर जो है कि रेलवे में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी क्लास 9 से शुरू होती है, क्लास 9 से अगर ये शुरू हुआ है या फिर अब अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तकरीबन 10 से आपको ये मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एसएससी में आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और वही जो है रेलवे में 3 क्वेश्चन। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो 4-2 मिलता है। उसके बाद मेंसुरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये जो है कि टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं इसके। आपके एसएससी सीजीएल की बात कर लीजिए या फिर सीएचएसएल की बात कर लीजिए, एसएससी में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है सबसे ज़्यादा, और रेलवे में जो कि तकरीबन 4। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका स्टैट्स डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तकरीबन 4-4 नंबर के आते हैं, इसमें आपको ग्राफ्स दे देगा या फिर पाई चार्ट दे देता है या फिर किसी तरीके का जो है कि आपको जो कि टेबल दे देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो उसके तकरीबन 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, रेलवे में भी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं और उसके साथ साथ एसएससी में भी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा तकरीबन आपको 21 टॉपिक्स जो है कि पढ़नी है इस बार। जब भी आप एसएससी की बात करें या बैंक की बात करें तो टोटल 21 टॉपिक्स आपको पढ़नी है और इन्हीं से क्वेश्चंस आएगा। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कितने वेटेज हो सकते हैं, इससे जो है कि आपको आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा और यूट्यूब स्टडी पर आपके हर टॉपिक्स का जो है कि तैयारी कराया जाएगा। मैथ्स के जो 21 टॉपिक्स है उसकी तैयारी कराई जाएगी, हर एक टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे और ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लीजिए बिकॉज एग्ज़ाम में समय कम होता है। उसके साथ साथ ही हमारे चैनल पे रीजनिंग का इंग्लिश का भी क्लास जो है कि रेगुलर चलेगा, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख करके अपने तैयारी को एक नया आधार दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने जो है कि मैथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो मैथ है उससे हम रिलेटेड सिलेबस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।